मैं खालिस्तानियों को आज फिर चैलेंज करके कहता हूँ, कहाँ खालिस्तानियों? ड्रग बेचने वालों, कनाडा के अंदर अरबों खरबों का जो आप ड्रग माफिया बनके बैठ करके पैसा इकट्ठा करके पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने के लिए आप जो वहाँ पे कोशिश करते हो, कहाँ हो आप? आपकी अणख और आपकी जमीर कहाँ है? कश्मीर की बेटियों के साथ जो हुआ, सिख बेटियों के साथ, कहाँ हो आप? अब आओगे आप ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए? ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए फ़ौरन से बहुत लोग आए, अब आओगे शामिल होने के लिए? अरे अगर हम अपनी अणख इज्जत गुरुओं की कुर्बानियों शहादतों से बनाई हुई अणख इज्जत नहीं बचा सके तो हमें जीने का मकसद नहीं है। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें हमारे अपने मुल्क के अंदर कश्मीर के अंदर सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में तो मान लिया कि गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी जी की बेटी को अगवा कर लिया गया, ठीक, हिंदू भाइयों की बेटियों को अगवा कर लिया गया, अब भी अगवा कर लिया जाता है। कश्मीर के अंदर आज से कुछ साल पहले 35 के करीब सिख भाइयों को लाइन में खड़ा करके उनके परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। आज हमारी बहू बेटियों को अगवा किया जाएगा, हमारी बहनों को अगवा किया जाएगा। अब रशिया का ट्रैक्टर दिखा रहा है, रशिया का ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर दिल्ली तक कूच करेगा। अरे तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ है वो लोग जो किसान आंदोलन में कहा करते थे, पहले तो इंदिरा गांधी मार दी, अब नरेंद्र मोदी को मार देंगे? कहाँ है आज वो बहादुरी, बड़ी बड़ी बातें करने वाले? अब कहाँ आपकी जवानें चलेगी? और बहू बेटियों की इज्जत नहीं हम बचा पाए, और वो भी योगी यूपी का चीफ मिनिस्टर, 4 घंटे के अंदर अंदर वो लड़के को भी पकड़ लिया और वो बेटी जो थी उसको भी बचा लिया। एक हिंदुस्तान के अंदर कानून एक होना चाहिए, ये बहुत गलत है। ये कानून जम्मू कश्मीर में नहीं, ये कानून पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्या है, पूरा हिंदुस्तान है, सब जगह पे ये कानून बने और सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई हो। इसकी कम से कम 15 साल, 20 साल फांसी की सज़ा, कोई बड़ी से बड़ी सज़ा मुकर्रर की जाए। जो इस तरीके से करता है, छोटी छोटी बेटियों को अगवा करके ले जाते, अकेला सिख धर्म नहीं और भी धर्मों में ऐसे किया जा रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है, बताते अपना नाम कुछ है, होता कुछ है, इसके लिए कानून सख्त जो है वो होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ है जिंदा शहीद MS बिट्टा सर, और जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज सर से बात करेंगे कि जिस तरीके की चीज़ें जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही हैं, लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करा दिया जा रहा है, मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी जा रही है। सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो भारत मुर्दाबाद के नारे तो लगाते हैं और किसान आंदोलन में जाकर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि सिख समाज के साथ बुरा हो रहा है। और आज जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं देखी जा रही हैं, तो वही लोग जो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे थे, ट्रैक्टर लेकर सड़कों पे घूम रहे थे, आज एक भी व्यक्ति उस घटना के लिए नहीं बोलता जो जम्मू कश्मीर में घटी है और जहां पर लगातार लड़कियों के साथ इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इन्हीं से सारे जुड़े सवाल करेंगे सर से, और सर से पूछेंगे भी, सर कहाँ हैं वो लोग जो राकेश टिकैत के साथ थे, आंदोलन में थे, कह रहे थे कि हम सिख हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, झंडा तक लहरा दिया गया था, आज अगर उसी सिख समाज के साथ जम्मू कश्मीर में इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, तो फिर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? सिख समाज एक वो मार्शल कौम हिंदुस्तान की दुनिया में मानी जाती है जिन्होंने महान कुर्बानियां दी। हमारे गुरु साहिबान ने, शहीद आजम भगत सिंह जी ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, उन्होंने साहबजादों ने, और उस वक्त जब पुराना मुग़लों का वक्त होता था, महाराजा रणजीत सिंह जी की फ़ौजों के जर्नैल होते थे जिनका नाम होता था हरि सिंह नलुआ। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बेटियों की इज्जत जो है बिल्कुल इज्जत से रहती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि देख ले। और जब बच्चे सोते नहीं थे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में, तालिबान में, तो माएँ बच्चों को कहते थे नलुआ आ गया। ये उस वक्त का एक दौर था, कौम का और महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास था। हमने उनके नाम का बहुत इस्तेमाल किया, उनके कर्म थे, हमारे गुरुओं के कर्म थे, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर महाराज जी के कर्म थे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कर्म थे, उनके साहबजादों के कर्म थे, महाराजा रणजीत सिंह जी के कर्म थे। हमारे कर्म क्या हुए,
हमने तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, हमने खालिस्तान के नारे लगा दिए, हमने जगह जगह पे ट्रैक्टर लेके पुलिस वालों के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टरों से हमला कर दिया। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें हमारे अपने मुल्क के अंदर, कश्मीर के अंदर सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में तो मान लिया कि गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी जी की बेटी को अगवा कर लिया गया, ठीक, हिंदू भाइयों की बेटियों को अगवा कर लिया गया, अब भी अगवा कर लिया जाता है। कश्मीर के अंदर आज से कुछ साल पहले 35 के करीब सिख भाइयों को लाइन में खड़ा करके उनके परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहब बहराजमान है, हमारे गुरु बहराजमान है, आतंकवादी आते हैं, माओ के सामने बेटियों का कत्लेआम, पिता के सामने बेटी का कत्लेआम, बेटे का कत्लेआम, खून की नदियां गुरुद्वारा साहब में बह जाती हैं, और बातें करते खालिस्तान की। अब कहाँ ये, कहाँ है हमारी, जब बेटियों के, हमारे गुरुओं ने, हमारे उन मार्शल बहादुरों ने, जस्सा सिंह अहलूवालिया और हरि सिंह नलुआ के नाम पे घबराते थे उस वक्त, आज हमारी बहू बेटियों को अगवा किया जाएगा, हमारी बहनों को अगवा किया जाएगा, कहाँ है आप खालिस्तानी, मैं पूछना चाहता हूँ। अभी देखिए कनाडा के अंदर करोड़ों अरबों की हेरोइन पकड़ी गई, ड्रग पकड़ी गई, खालिस्तानियों से जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते थे, खालिस्तान को लाने के, देश को तोड़ने की बात करते थे, आज नकाब सामने आ गए। किस तरीके से हम अपनी बहू बेटियों बहनों को हम सब लोग बचाएंगे, और वहाँ जाके हम पब्लिसिटी सब लोग करते हैं, पॉलिटिशियन जा कर के, आज ट्रैक्टर मुड़ जाते कश्मीर की तरफ, आज वो झंडे जो हाथ में पकड़ के ले जाते उधर, तो मानता ये बहादुर हैं, ये जर्नैल हैं, आज सब चुप बैठ गए, रैली के बड़े बड़े लोग चुप बैठ गए। कहाँ हैं वो लोग जो किसान आंदोलन में कहा करते थे, पहले तो इंदिरा गांधी मार दी, अब नरेंद्र मोदी को मार देंगे, कहाँ हैं आज वो बहादुरी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अब कहाँ आपकी जवानें चलेगी, और बहू बेटियों की इज्जत नहीं हम बचा पाए, और वो भी योगी यूपी का चीफ मिनिस्टर, 4 घंटे के अंदर अंदर वो लड़के को भी पकड़ लिया और वो बेटी जो थी उसको भी बचा लिया, ये यूपी, ये योगी ने बचाया, कैसे ये माहौल किस तरफ जा रहा है, कितनी देर तक प्रेस पब्लिसिटी पॉलिटिक्स हम करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। अब रशिया का ट्रैक्टर दिखा रहा है, रशिया का ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर दिल्ली तक कूच करेगा, तेरी ऐसी की तैसी, ये हिंदुस्तान है जो चाइना सा मुकाबला करता है, पाकिस्तान का करता है, दिल्ली आके करेगा क्या तू, क्या करेगा तू दिल्ली आके। अब जा कश्मीर के अंदर आंदोलन था पंजाब के उन बहादुर किसानों का, और ले गया आंदोलन ये अपने आप में, अब आंदोलन पंजाब का नहीं रहा, अब आंदोलन हो गया टकैत का आंदोलन, पंजाब का आंदोलन ये पॉलिटिक्स कर गया पंजाब के वो भोले भाले किसानों के साथ। सर यहाँ पर ये भी बात है कि जम्मू कश्मीर से जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आपने भी कल देखा होगा कि उन्हीं सिख परिवारों की तरफ से, और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि लव जिहाद का कानून आना काफ़ी ज़्यादा बेहद ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और MP में आया। देखो ज़बरदस्ती कहीं भी हो ये बहुत गलत है, ये कानून जम्मू कश्मीर में नहीं, ये कानून पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्या है, पूरा हिंदुस्तान है, सब जगह पे यह कानून बने और सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसकी कम से कम 15 साल 20 साल फांसी की सज़ा, कोई बड़ी से बड़ी सज़ा मुकर्रर की जाए। जो इस तरीके से करता है, छोटी छोटी बेटियों को अगवा करके ले जाते, अकेला सिख धर्म नहीं और भी धर्मों में ऐसे किया जा रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है, बताते अपना नाम कुछ है, होता कुछ है, इसके लिए कानून सख्त जो है वो होना चाहिए। सर जिस तरीके से चीज़ें सवाल उठाए जाते हैं, लव जिहाद को लेकर जब कानून पास किया गया था तो असुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम और नेता थे जिन्होंने कहा था कि इस तरीके के धर्म नहीं है, वो जो कानून है वो नहीं आने चाहिए। एक मैं बताऊँ, हिंदुस्तान है एक, एक हिंदुस्तान के अंदर कानून एक होना चाहिए, और जो इस तरीके की कई बातें करते हैं वो पॉलिटिकल लोग, को धर्म की राजनीति करने वाले लोग, उनके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है।
हम लोगों को सबको ये समझना चाहिए, आम पब्लिक को, लोगों को, पॉलिटिशियन हो, धर्म के हों, कि हम ऐसी बातें करें जिसमें पूरे देश का माहौल ख़राब ना हो, हमारी बहू बेटियों की इज्जत बरकरार रहे, और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसमें देश का माहौल ख़राब हो। आज नहीं तो कल हर इंसान, हर धर्म के व्यक्ति ने इस दुनिया से जाना है। हम कोई ऐसा कर्म, ऐसा पाप ना करें, जिम्मेदार लोग ख़ास तौर पे, जिसमें हमारे मजहबों, धर्मों का, हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारा भाईचारा, उसका कोई नुकसान हो। सर, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था नवंबर में, यानी कि 2020 में, तो तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, सिख समुदाय के साथ गलत हो रहा है। 26 तारीख के दिन जो घटना हुई, 26 जनवरी के दिन, उसको लेकर भी काफ़ी सारे लोग आए इन सारी चीज़ों के लिए, सफाई देने के लिए। आज जब सिख समाज के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों वो लोग बयान नहीं देते? और जैसा कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए, कि उन्होंने बिना देरी करते हुए कार्रवाई की है और उस लड़के उस्मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके लिए सिख फैमिली थी, जिनकी बेटी थी अमनदीप कौर, उन्होंने धन्यवाद भी कहा है योगी सरकार के लिए। तो क्या कहना चाहोगे इन दो तरीके के लोगों के लिए, कि एक अपना काम कर रहे हैं और दूसरे सिर्फ राजनीति के टाइम पे सामने आते हैं? आजकल जो मैं एक माहौल देख रहा हूँ, बड़े बड़े चैनलों के अंदर, मीडिया के अंदर, हम लोगों की दुकानदारी बन गई प्रेस पब्लिसिटी की। हमारा कोई धंधा नहीं, हमारा कोई काम नहीं, हमारा काम है हम इशू ढूंढते हैं, हम मौका ढूंढते हैं, और मौके के मुताबिक जैसे पब्लिसिटी मिलती है हम वहीं जाके बैठ जाते हैं। अगर दूसरा को अच्छा काम कर रहा, बुरा कहना तो कहना ही है, ये हमारे मन के अंदर बस चुका है, कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी अच्छा कर्म, बुरा कहना ही कहना है, ये स्टंट बन चुका है। आज मीडिया को भी चाहिए अपने एक रोल को अदा करे, जो सही है सही कहे, जो गलत है वो गलत कहे। और मैं फिर ये कहूँगा कि कानून अब सख्त बनाना चाहिए, और ख़ास तौर पे मैं खालिस्तानियों को आज फिर चैलेंज करके कहता हूँ, कहाँ खालिस्तानियों? ड्रग्स बेचने वालों, कनाडा के अंदर अरबों खरबों का जो आप ड्रग्स माफिया बनके बैठ करके पैसा इकट्ठा करके पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने के लिए आप जो वहाँ पे कोशिश करते हो, कहाँ हो आप? आपकी अणख और आपकी जमीर कहाँ है? कश्मीर की बेटियों के साथ जो हुआ, सिख बेटियों के साथ, कहाँ हुआ आप? अब आओगे आप ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए? ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए फौरन से बहुत लोग आए, अब आओगे शामिल होने के लिए? अरे अगर हम अपनी अणख इज्जत, गुरुओं की कुर्बानियों, शहादतों से बनाई हुई अणख इज्जत नहीं बचा सके, तो हमें जीने का मकसद नहीं है। इसलिए कौम को बदनाम मत करो, ऐसे गलत काम मत करो जिसमें हमारी पगड़ी को दाग लगे। अब ड्रग पकड़ी गई ना कनाडा के अंदर अरबों खरबों की, जितने भी थे सारे आगे लिखा हुआ था सिंह। कहाँ हमारा कुर्बानियों का इतिहास? कहाँ गुरु महाराज ने खून बहा करके सिर पे हमें एक दस्तार दी? और कहाँ ये लोग दाग लगा रहे हैं? को खालिस्तान के नारे लगाता है, को तिरंगे झंडे का अपमान करता है, को ड्रग के ऊपर खालिस्तानी कनाडा के अंदर पकड़े जाते हैं, और जब बेटियों के साथ ऐसा होता है, कश्मीर के अंदर अपमानित किया जाता है, तब कोई सामने नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिटिक्स है, और ऐसे लोग, चंद लोग कौम को बदनाम करते हैं। सर, सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है उस लड़के के ऊपर? देखो जी, योगी जी के बारे में अगर कहो, क्राइम के ऊपर, क्राइम करोगे तो गोली खाओगे, जेल में नहीं जाओगे, गोली खाओगे। अगर लव जिहाद के बात की करोगे तो पकड़ के जेल में ले जाया जाएगा। ये बिल्कुल अच्छी सरकार चल रही है, और उनकी सोच जो है योगी जी की, क्राइम के ऊपर बिल्कुल क्लियर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मायावती भी कभी चीफ मिनिस्टर थी, मायावती को लोग इसलिए वोट देते थे ना, मायावती करप्ट थी, पर लोग वहाँ का, हर समुदाय का लोग वोट इसलिए देता था कि तुमने क्राइम को कंट्रोल रखा है। तो योगी तो करप्ट भी नहीं है, वो तो एक योगी व्यक्ति है, और फिर वो क्राइम के ऊपर कंट्रोल करता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।